जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो एंड ये वाला हॉल वीडियो अगेन होने वाला है मीशो हॉल वीडियो। आपको तो बताइए मैं मीशो हॉल से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, लाइक मीशो से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, तो मैं उसके सबसे ज्यादा वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीशो पे जो स्टफ मिलता है ना वो बहुत रीजनेबल मिलता है और कई बार होता है कि स्कैम हो जाता है, बट बहुत टाइम जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का स्टफ मिलता है, तो मैं हमेशा मीशो का ही प्रेफर करूंगी ज्यादा तो वीडियो। बट इस बार जो मैंने इंक्लूड किया है स्टफ, उसमें मैंने जीन्स इंक्लूड की है, दो टॉप किए हैं, एक मैंने सूट किया है, बहुत प्यारा सा सूट है, और ये सारा स्टफ मैंने इस बार इंक्लूड किया है मेरे पूरे वीडियो में। इनका मैं रिव्यू करने वाली हूँ तो एंड तक जरूर देखना। एंड या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साइड में आपको मेंशन मैंने कर दिया स्क्रीनशॉट एक जिससे आप आईडी देख सकते हैं, और साइड में भी आपको दिख जाएगा तो आप सर्च कर सकते हैं, और अगर सर्च भी नहीं करना तो नीचे मेंशन किया हुआ मैंने लिंक, उसे क्लिक करना, मुझे फॉलो करना, क्योंकि मैं बहुत सारी फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह वहाँ पर अपलोड करती हूँ। जो भी मैं लाइक स्टफ परचेज करती हूँ ना, एक बार तो मैं उसका कुछ फोटोज डालती हूँ। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो। सो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने जो स्टफ परचेज किया है ये बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत लाइक आप भी वेयर कर सकते हैं इसे इजीली। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट छोटे से शॉर्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। आप इसे शॉर्ट बोल लो, पैंटी बोल लो, जो आपका मन करे आप वो बोलो, मैं इसे शॉर्ट ही बोलूंगी। और ये मैंने परचेज किया लाइक 180 के अराउंड समथिंग था ये कुछ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको लेने का मेरा पर्पज सिर्फ एक ये था, क्योंकि जीन्स में कई बार क्या होता है कि पैंटीज की जो बाउंड वो जो लाइंस होती है वो दिखती हैं, तो उसको ना दिखते हुए मैंने ये परचेज किया है। ये बिल्कुल आपको प्रॉपर अच्छे से फिट आने वाली है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, बैक से बिल्कुल भी लाइनिंग्स नहीं दिखती है, तो मेरे का ये एक इस चीज़ का प्लस पॉइंट लगा। और आप जैसे कहते हो कि वो ऐसे ही फैब्रिक में एक और पैंटीज आती है जिनमें ऐसे लाइनिंग्स नहीं होती, बट उसमें क्या होता है वो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, मैंने वो परचेज की थी इसी वजह से मैंने परचेज की थी, बट ना उसमें कोई इलास्टिक नहीं है, तो वो पता है बहुत ज़्यादा ऐसा है ना नीचे होती रहती है, उसको बार बार ना ऐसे ऊपर करना पड़ता है, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। आप ये वाली ज़रूर परचेज करना, जीन्स के लिए बहुत अच्छी और ड्रेसेस के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और इतना ज़्यादा इधर से कुछ फैब्रिक यूज़ नहीं हुआ तो वो इतना कुछ दिखने वाला नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल वो जो स्लिम आती है जिसमें कोई स्टिचिंग नहीं आती आप वो यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी लगी मुझे। बट मैंने इसमें जो कलर मंगवाया था ब्लैक मंगवाया था और मेरे पास ब्लू रिसीव हुआ है, तो ये फर्स्ट आइटम मैंने परचेज किया था, बहुत रीजनेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये मैंने परचेज किया था। तो बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुर्ती परचेज की है, पिक्चर आपको दिख जाएगी, ठीक है, प्लस आपको ट्राई ऑन भी दिख जाएगा। इसका एक तो क्या है कि ये आप देखो इसमें शेड कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं रेड कलर के और थोड़ा ब्राउनिश टाइप में ये पूरा इसका लुक है। स्मॉल इसमें मेरा साइज है एंड आपको फुल स्लीव में मैं ये मिल जाता है, पूरा प्रॉपर वो नेट वाला जो हल्का हल्का सा नेट आता है ना, प्रॉपर नेट नहीं बट वो साड़ी वाला जो नेट आता है उस तरह का कुछ ये नेट इसमें यूज हुआ है, और इसका आप देख सकते हैं राउंड नेक मिल जाएगा, बैक से बिल्कुल सिंपल मिलेगा, बिल्कुल सिंपल। इतना जो एरिया है इसमें आपको पूरा डबल फोल्डेड मिलेगा, लाइक इसमें जो मटेरियल है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होने वाला है, बट इस साइड से जो नीचे तक का पूरा लेंथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लेंथ है इसकी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छा घे टाइप्स में भी है इसमें, देखो इसमें बीच में पूरा स्लिट है इसमें और बहुत सुंदर है। और अगर आपको नहीं कम्फर्टेबल, मुझे ऐसा लगा था कि इसको अगर यहाँ से स्ट्रिच करवा लेंगे बिल्कुल सेंटर से और पूरा इस तरह का कुछ गाउन वाला लुक आएगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसके नीचे क्या वेयर करूँगी, बट मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी कि मैं क्या वेयर करने की सोच रही हूँ इसके साथ, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और बहुत अच्छी रेंज में है, 700 समथिंग कुछ था, 698 समथिंग कुछ इसका प्राइस था, डिस्काउंट वगैरह लगा के पूरा, ठीक है, और फुल स्लीव में आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है, बहुत लाइक स्मॉल साइज में मुझे बिल्कुल स्लीव वाइज बिल्कुल परफेक्टली फिट आया, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत 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 अच्छा लगा। और जैसे हम कभी नॉर्मल जाते हैं या फिर डेली उसमें भी अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं, जीन्स के साथ, लेगिंग के साथ, शरारा के साथ, जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं आप इसको पेयर करके वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर ये लगने वाला है। साइज इसमें मेरा स्मॉल है और इसका प्राइस आपको 698 समथिंग कुछ मिल जाएगा, और इसमें कलर ऑप्शन भी था बट मैंने ये वाला कलर ऑप्शन शायद से नहीं मंगाया था, मैंने दूसरा कलर ऑप्शन मंगाया था, बट इट्स ओके, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फिटिंग वाइज भी अच्छा लगा, तो मैं मेंशन कर दूंगी कि मैंने क्या मंगवाया था और किस तरह का है। जोई हटो, ओके, सो जो नेक्स्ट टॉप मैं दिखाने वाली हूँ आपको, पिक्चर आपको दिख जाएगी विद ट्राई ऑन, ये वाला टॉप वैसा नहीं है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, बहुत ही चीप काइंड ऑफ मटेरियल है ये, बहुत ज़्यादा रिप्टेड फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है,
बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, ठीक है। और कुछ इस तरह की आपको स्लीव मिल जाएगी और यहाँ से कुछ इस तरह का कट मिलेगा, लाइक इसमें ना कुछ इस तरह का एक गैप सा आएगा इस टॉप में, और बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। इसमें मेरा साइज स्मॉल है और इतना कुछ खास मुझे ये टॉप लग नहीं रहा, फिटिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, यहाँ से तो ठीक है बट यहाँ से फिर वो थोड़ा लूज सा आ रहा है, तो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं है। और 200 समथिंग में है शायद ये, 200 या 300 समथिंग में कुछ है इसका, और आपको बिल्कुल ऐसे आपको स्क्वायर नेक में मिल जाता है ये, और कुछ खास नहीं है, बस चीप मटेरियल मुझे इसका लग रहा है, और बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, तो मुझे इतना कुछ खास ये लगा नहीं, तो आपको ट्राई दिख जाएगा और मैंने पिक्चर भी ऐड कर दी है। थर्ड स्टफ तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टफ की, तो ये वाला जो है ये मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मॉम फिट जीन्स ली थी, तो ये बॉयफ्रेंड जीन्स है वो मॉम फिट थी, ये बॉयफ्रेंड जीन्स है, और इसमें जो शेड है वो ब्लैक है, और वो सेम लाइक सेम सेलर ने से मैंने लिया है, और इसमें जो फैब्रिक है वो भी प्रॉपर रिप्टेड वाला है, उसमें तो क्या था कि काफी ज्यादा था और दिख नहीं रहा था, बट इसे पूरा आपको पूरी अच्छे से स्किन शो होगी और बहुत सुंदर ये लगने वाला है। लाइक इसमें आपको लेंथ थोड़ी कम मिल जाती है बट बहुत अच्छा है फैब्रिक, सेम वही बहुत थिक वाला फैब्रिक है, एंड बैक से आपको पूरा इसमें यहाँ से इलास्टिक मिल जाता है, बटन की क्वालिटी ठीक ठीक है, ज्यादा खास नहीं बट हाँ ओके है, जिप की क्वालिटी भी मीडियम है, और लेंथ आपको जो पॉकेट की मिल जाती है थोड़ी सी सही मिल जाती है, मीडियम पॉकेट लेंथ है, बैक में भी आपको पॉकेट्स मिल जाएगी, और ये थोड़ा सा ना बैगी वाला लुक आने वाला है, बॉयफ्रेंड जीन्स तो आपको पता ही है कैसी आती है, तो इसमें थोड़ा सा बैगी लुक आने वाला है, तो इसे और बैगी करने के लिए आप इसे नीचे से फोल्ड भी कर सकते हो, और प्रॉपर ब्लैक में है ये, और इसका प्रॉपर डेनिम है और थिक वाला डेनिम है, जल्दी से खराब नहीं होने वाला, हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि फेड हो सकता है बट ब्लैक तो फेड होता ही है, तो इससे मेरा साइज 28 है और ये भी मुझे बहुत अच्छी से आई, लाइक वो वाली जो थी ना वो प्रॉपर हाई वेस्ट थी, ये वाली भी प्रॉपर हाई वेस्ट आपको मिलेगी, लाइक प्रॉपर तो नहीं बट हाँ इतनी आपको हाई वेस्ट मिल जाएगी, एंड ओवरऑल बहुत अच्छी क्वालिटी में है, और 700-800 के बीच में ये कुछ था, 780 या 750 समथिंग कुछ था, तो बहुत रीजनेबल है, आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेंज में है और बहुत अफोर्डेबल है, तो मेरी तरफ से परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। तो बात करते हैं लास्ट फाइनल टॉप की जो मैंने सर परचेज किया है, ये परचेज किया जैसे ये वाला टॉप जो मैंने अभी वेयर किया हुआ है, ये टॉप वेयर किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है अलोरिंग सीक्रेट से, और इनके टॉप बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, लाइक दिखने में ऐसे आएंगे लेकिन इनकी फिटिंग्स इतनी ज्यादा औसम आती है, बहुत ज्यादा औसम आती है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ऑलरेडी 3 परचेज कर चुकी हूँ, ये मेरा 4th है, तो मैं उनका भी एक अलग से वीडियो आपको जरूर शेयर अलोरिंग सीक्रेट का, कि इसमें आपको कौन कौन सा स्टफ अच्छा मिल सकता है कौन सा नहीं मिल सकता, तो मैंने 4 टॉप परचेज किए, तो उनका अलग से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, वैसे मैंने ये बना रखे हैं अलग अलग तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक वीडियो और जरूर बनाऊंगी तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो मिलता है ये, एक तो ये इसका पैटर्न अलग आया है, मुझे जो चाहिए था वो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा था, बट ये इसमें आया, ये भी ओके है बट वो वाला मुझे चाहिए था, बट मैं वो वाला को ट्राई करूंगी। सो ये वाला टॉप आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, ये है ना इसके जो टॉप्स होते हैं ये एक है ना ब्लाउज काइंड टॉप होते हैं, कि आप इन्हें साड़ी पे भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो लुक होता है इसमें जैसे बैकलेस है, इसमें ये टाइप वाला है बैक से, इसमें भी टाइप वाला है, क्रिस क्रॉस में है ये, ठीक है, और इसकी जो पफ होते हैं ना इनकी, लाइक इसका पफ देख लो एंड इसका पफ देख लो, लेकिन इनके पफ ही इतने ज्यादा सुंदर होते हैं, लुक बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। तो इसकी बात करते हैं, तो इसका मटेरियल आपको ऑर्गेन्जा मिल जाता है प्रॉपर, और स्लीव्स में दोनों साइड आपको बहुत अच्छा बलून मिल जाता है, और स्लीव्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो इलास्टिक है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है एक जगह पे, ठीक है, और कुछ इस तरह से बलून आपको मिल जाएगा, शेड्स का कुछ मिक्स्ड है, पर्पल में है और उस पर्पल में ब्लू, लाइट पिंक, डार्क पिंक, इस तरह के कुछ शेड है लाइनिंग में, और आपको फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखेगा एंड बैक से कुछ इस तरह से दिखेगा ये, लाइक एक सेकेंड, इसको अगर आप टाइप करेंगे ना, टाइप करने के बाद में इतना सुंदर लगने वाला है, और अगर किसी साड़ी पे वेयर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर इसका लुक आने वाला है, लाइक देखो कितना ज्यादा सुंदर बैक से इसका लुक आएगा, एक्सेस स्मॉल इसमें शायद मेरा साइज है शायद जितना मुझे पता है, क्योंकि इसमें कलर ऑप्शन तो थे ही नहीं, एंड इसमें जो साइज था वो स्मॉल तो खत्म था ऑलमोस्ट, कि एक बार एक्स्ट्रा स्मॉल परचेज करके देखते हैं, तो परचेज करने के बाद भी ये मुझे प्रॉपरली फिट आया, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग मुझे आई है। ओके सो इसमें जो हमें लाइक अब आप मुझसे पूछोगे कि इसमें क्या पहने, क्योंकि प्रॉपर बैकलेस है, तो या तो आप इसमें वेयर कर सकते हैं कोई भी ट्यूब, ठीक है,
जो बैक से ट्रांसपेरेंट हो, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या करना है, जो कप्स आते हैं हमारे ऑलरेडी जो टॉप्स में या फिर ड्रेसेस में कप्स आते हैं, वो कप आपको लेने हैं और उस पर डबल साइडेड टेप लगा के जहां पर आप इसको वेयर कर रहे हैं वहां पर इनको स्टिक कर दोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं तो वो कप वाला यूज करने वाली हूँ। तो ये टॉप के लिए मुझे बहुत लाइक इसका जो मैं रेंज बताती हूँ, जो प्राइस है इसका 1000 है। अलॉरिंग सीक्रेट के जितने भी आप परचेज करोगे ना, वो आपको 1800 या 900 समथिंग शिपिंग चार्ज लगा के 1000 समथिंग ही मिलेगा। तो मैंने चार टॉप परचेज किए, 4000 मेरे डायरेक्ट गए हैं उसमें। तो इसलिए मैंने अलग अलग परचेज किए हैं, एक बार में नहीं किए, क्योंकि एक बार में ये स्टफ नहीं परचेज कर सके। तो इन चारों का मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारे स्टफ मैंने इस बार परचेज किया था, तो मुझे जरूर बताना वो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।